हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपके फेवरेट सीरियल साथ निभाना सातिया में सागर छूट चुका है जेल से, यानी वो यहाँ पर निकल आया है जेल से और कनक ने उसे जेल से निकलवाया और गहना की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सागर अगर जेल से बाहर आ गया है तो गहना के ऊपर तो मुसीबत आनी ही आनी है और इसी का अंजाम अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कनक और सागर दोनों ही मिलकर गहना को किडनेप करने की कोशिश करेंगे और अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी भी सागर का वो गुंडों से किया हुआ वादा कि वो एक लड़की को उन्हें देगा वो पूरा नहीं हुआ है और अब वो गहना को किडनैप करवाकर ये वादा पूरा करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वो पहले तो सागर का यहाँ पर गहना को उठाने के लिए उसके घर में घुस जाता है और उस पर चाकू रखकर घर वालों को डराता भी है और उसकी जान बचाने के लिए घर वाले बेचारे उसके पीछे भागते हैं, लेकिन सागर गहना को यहाँ से किडनैप करके सबके सामने से ले जाता है और कनक भी यहाँ पर ड्रामा करती है कि वो भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर गहना की किडनैपिंग हो जाएगी और गहना की जान पर आ चुका है एक बहुत ही बड़ा खतरा। सागर यहाँ पर गहना को फंसाकर उसे गुंडों के साथ डील करने की कोशिश करने वाला है और अब सागर के चंगुल से गहना को बचाने के लिए एक बार फिर से अनंत और कृष्णा मदद करने वाले हैं और गहना को बचाकर लेकर आएंगे। तो वही इस चीज का फायदा उठाने वाली है राधिका। राधिका अब यहाँ पर पूरे परिवार को जेल भिजवाने के लिए उन पर एक और बड़ी चाल चलने वाली है ताकि वो अब घर वालों से बदला ले सके और गहना तो उसके रास्ते से हट ही गई है। तो भाई दोस्तों, यहाँ पर अब राधिका बहुत ही घटिया चाल चलने वाली है घर वालों को जेल भिजवाने के लिए। देखना है कि गहना अपने परिवार को और अपने खुद को कैसे बचाती है इन दोनों तरफ से आई हुई समस्या से।